मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रथम बार पहुंचे सीहोर, पुष्प वर्षा कर फूल माला पहनाकर शहरवासियों ने किया मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का जोरदार स्वागत। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का जगह जगह कई मंचों से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शासकीय विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीहोर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज डॉक्टर मोहन यादव सीहोर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की जन आभार यात्रा के दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर तथा फूल माला पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। नगरवासियों ने मुख्यमंत्री की जन आभार यात्रा में भारी उत्साह दिखाया। बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन शामिल हुए और सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का अभिवंदन करने के लिए आतुर दिखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की जन आभार यात्रा कोतवाली चौराहे से प्रारंभ होकर पांच चौराहा लीसटा की चौराहा होते हुए तहसील चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान नगर की अनेक सामाजिक संस्थाओं, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं तथा व्यापारिक संस्थाओं के साथ ही सभी वर्गों के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर चौहान का आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री यादव ने भी पुष्प वर्षा कर नागरिकों को अभिनंदन किया और इस आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। जनाभार यात्रा के दौरान सीहोर के नागरिक अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर भौर विभोर हो उठे। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं को लेकर बुजुर्गों तथा सभी ने अपने घरों की छत और बालकनी से पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का अभिनंदन किया। जन आभार यात्रा के दौरान लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जगह जगह बनाए गए मंचों से नागरिकों ने फूल माला पहनाकर मुख्यमंत्री यादव का स्वागत किया। जन आभार यात्रा में सीहोर विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवी शामिल रहे। उस साइड हो जाइए भाई साहब, उस साइड हो जाइए। अरे अरे क्या है यार, क्या है ये? नीचे नीचे खड़ा हो जाओ। मध्य प्रदेश की बात करें तो 77,000 करोड़ के निर्माण कार्य आज की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले 200 करोड़ रुपया रेल को मिल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात होगी। आज की स्थिति में हजारों करोड़ और 77,000 करोड़ से ज्यादा अगर निर्माण कार्यों के साथ रेलवे की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। एक बार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और रेलवे स्टेशन भी कैसे बन रहा है, भारत का नहीं विश्व के स्तर के रेलवे स्टेशन, हमारा अपना पुराना हबीबगंज, अभी रानी कमलापति के नाम से जिसको जानते हैं, वंदे भारत ट्रेन, जिस ट्रेन के माध्यम से ट्रेन की स्पीड अब विदेश, हमारे यहाँ के रेल के इंजन, रेल की बोगियां, हम पहले विदेश की तरफ देखते थे, लगता था कि हमको अपने देश में बुलाना चाहिए। आज बदलते दौर का भारत है, हमारे यहां से अपने रेल की सुविधाओं के लेकर के निर्यात हो रहे हैं। कई देश वंदे भारत ट्रेन के लिए अपनी लाइन में लग करके हमसे डब्बे, इंजन, रेल की पटरियां बिछाने की सुविधाएं, ऐसी कई सौगातें ले रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब एशिया से निकल करके यूरोप तक हमारी रेल की लाइनों की बिछाड़ हो जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ पहले शहर में मेट्रो आ जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मेट्रो की स्पीड भी वंदे भारत मेट्रो की स्पीड से आधी है। इसलिए मेट्रो भी शहर में लाना है कि नहीं लाना, जितनी आ गई वो आ गई, लेकिन वंदे भारत के आधार पर, जैसे आपके यहाँ अगर सीहोर से भोपाल लाना है तो वंदे भारत मेट्रो आपके यहाँ 160 की स्पीड तक जा सकती है, और मेट्रो की ट्रेन अगर लाओगे तो वो 100 के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंचती, तो 60 किलोमीटर की स्पीड उससे आगे, तो अलग से पैसा नहीं लगाना। हमारी प्रक्रिया बिछी हुई है, ब्रांड गेज की लाइन डली हुई है, और केवल ये नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी सभी प्रकार की सौगात है जो विदेश में मिलती है आज हमारे यहाँ मिल रही है। मैं आज के अवसर पर खास करके मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो, ये ट्रेन भी प्रारंभ हो रही, अब एक तरह से नई तकनीक की नई व्यवस्थाओं के आधार पर जो सौगातें मिल रही, मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
खासकर रेलवे स्टेशन, ये तो सोच ही नहीं सकते थे। आज हमारे अपने बीच में से ये जो नई सौगातें मिल रही, मैं इनकी बधाई देना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में दो चार मिनट में ही मिलने वाले हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, खास करके मैं पिछली बार वैष्णव जी से मिला था, उन्होंने कहा आपके यहाँ 4 लेन तो बहुत बन गए, सड़कें अच्छी हो गई, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें आपके यहाँ हो गई, लेकिन रेलवे नेटवर्क की बड़ी संभावना है। तो उन्होंने कहा आप प्लान बनवाइए, मैंने कहा बिल्कुल हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य में आता है, पूरे देश का सेंटर है, और सेंटर होने के नाते से इसमें बड़ी संभावना है। 2 रेल तो आपके यहाँ, 2 रेलवे लाइन तो चली रही है, रामगंज मंडी सीहोर होकर के, यही आपके है ना रेल, और बुधनी वाली, ये दोनों ट्रेन का, दोनों की लाइनें डल रही है। इनको गति बनाने के लिए कहा है कि बहुत जल्दी इनकी और स्पीड बढ़े, और आने वाले समय में इसी प्रकार से और जितने प्रकार के विकास की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि रेल के माध्यम से जब रेल आती है तो विकास की बहुत सारी सौगातें लाती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी, एक बार फिर हम सब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन बोलते रेलवे से हमारा विकास का पहिया अपने आप जुड़ जाता है, और मध्य प्रदेश तो बड़ी संभावना वाला प्रदेश है। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह की सरकार में जो बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से हमारे अच्छे सबल सक्षम राज्य की तरफ बढ़े हैं, और अब इससे और आगे बढ़ते हुए हमारी और गति आगे बढ़े, खास करके उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, गरीब और बहनों के लिए सरकार इतनी सारी योजना ला रही है कि एक के बाद एक आने वाले समय में, वो समय बदल गया जब हमारे अपने लोग किसी के आगे हाथ फैलाते थे, आज के अवसर पर सरकार की सारी योजनाओं का। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में आने वाली बेल आइकॉन भी आप अवश्य रूप से दबाएं, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।